Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो, आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही हो। ओ गॉड, मैं बहुत ज़्यादा शोर शराबे में हूँ। चलिए आगे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो। मैंने अभी ये सन्नाटे वाली रोड पकड़ी है जहाँ पर मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो आपको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हाई स्ट्रीट कैंसिंगटन एंड मुझे क्योंकि अली का मुझे शूज़ लेने जाना है, तो मैंने आलिया को ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने कहा चलो अभी जाती हूँ और मतलब लगे हाथ एक काम भी निपटा लेती हूँ, साथ ही साथ वॉक भी हो जाएगी। बहुत टाइम हो गया मैं वर्कशॉप नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा अब से वापस से अपने रूटीन को ठीक करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मैं कैसे अपने हेल्थ का और अपने आप को फैट टू फिट वाला ब्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस बीच में बोल ना जाऊँ, मतलब बीच में मैं कभी कभार होता है ना, हटाओ खाया पिया साथ है, अपना मौज करो मस्ती करो, मगर वो चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मौज मस्ती होती है ना, इसमें आपकी जो बॉडी होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपकी सेहत आपके साथ है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया आपके साथ है, अगर सेहत आपकी ख़राब है तो समझ लीजिए इस दुनिया में फिर कोई आपका अपना नहीं होगा। तो आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है, ठीक है? तो मैंने ये प्लान किया है, ये जो लाइंस मैंने आपको बोली है कल रात में, मैंने खुद में जज किया, मैंने कहा नहीं मुझे अब ये लाइंस खुद पे भी फॉलो करना होगा। तो मैंने अब अहद कर लिया है कि भाई अब कुछ ना कुछ करके अपने आप को वापस से फिट करना है, ताकि जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसको मैं फाइट बैक कर सकूँ। तो एनीवेज अभी मैं हाई स्ट्रीट कैंसिंगटन पहुँचती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इतना खूबसूरत पेड़ लग रहा है गाइज, ये देखें इतना प्यारा। और सुनिए, अप्रैल का मंथ चल रहा है और नहायती ठंड है यहाँ पर, मतलब इतनी ठंड हवे में ठंडगी, मतलब इंसान निकलने को भी नहीं सोच रहा है कि निकले या नहीं, मतलब एक बार सोचना पड़ रहा है कि भैया निकले या ना निकले, तो बहुत ठंड है। अच्छा जी, मैं तो अपने ही बकबक किए जा रही हूँ, आप लोग भी बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग के दिन कैसे गुजर रहे हैं, लाइफ में सब ठीक ठाक है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस मेरी देखते रहिए, पर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर करके आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरे व्लॉग्स को इन्जॉय कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपके न्यूज फीड में। तो चलिए चलते हैं हाई स्ट्रीट कैंसिंगटन। पतली गली ले लेती हूँ, शॉर्टकट होता है अपना, यहाँ से आराम से वॉक करके जाती हूँ। ये सामने आप देखोगे तो यहाँ पर कैंसिंगटन पैलेस है, कभी जाऊँगी तो वहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगी, मगर अभी तो मैं थोड़ा दूसरे काम से जा रही हूँ। और आज मुझे बच्चों को लेकर के जाना है, हस्बैंड ने बुक कर दिया है VR वर्चुअलिटी वाला जो होता है ना, IVR, तो वो बुक किया है बच्चों के लिए, तो वहाँ भी जाना है, तो उसका भी थोड़ा बहुत आप लोग को शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
अच्छा जी, यहाँ से फारिग होने के बाद मैं चली गई घर, ये सब सामान घर पे रखा और मेरा आज अपॉइंटमेंट था सलोन में हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं वहाँ चली गई। बहुत साल हो गए थे, मेरा बाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा रद्दी हो गया था। मतलब जो स्ट्रीट की औरतें नहीं होती, जैसे कभी कभार देखा होगा फेसबुक पे दिखाते हैं ना कि उसको एक गरीब औरत को ले करके उसको वो करते हैं और बेचारी के बाल बिल्कुल एकदम टैंगल होते हैं, तो उसके उसको एकदम नया कर देते हैं, उसको बहुत अच्छा कर देते हैं उसके बाल वाल को, उसके लुक को। तो कुछ ऐसा ही मेरा हाल हो रहा था, तो मैं इसीलिए गई थी अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने। उसके बाद वहाँ से फारिग फिर हुई, उसके बाद चली गई सेंसबरीज, वहाँ से मैंने ब्लेंडर लिया क्योंकि मेरे पास जो ब्लेंडर था वो ख़राब हो गया था, वो काफ़ी पुराना भी था और ख़राब हो गया था, तो लेना बनता ही था। और सेंसबरीज में ये देखिए, पहली बार मुझे ये बर्फ़ी, खोए वाली बर्फ़ी नज़र आई, जो कि बिल्कुल इलाहाबाद की कादिर के यहाँ वाली बर्फ़ी थी। ओह माय गॉड, बिल्कुल वही सेम टेस्ट। और मैंने जब ये देखा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई ये तो लेना ही लेना है और अपने बच्चों को ट्राई कराना है। अच्छा जी, तो ये ब्लेंडर कुछ ऐसा लगता है, ये 3 साल की गारंटी है, इसलिए मैंने कहा कि चलो सही है ले लो 3 साल की गारंटी, अगर कुछ मसला मसाइल हो गया, कुछ ख़राब वराब हुआ तो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और मैंने यूज़ भी किया, काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मैं आ गई थोड़ा सा खाना वाना बनाने। यहाँ पर मैंने चिकन पालक बनाया था, काली मसूर की दाल बनाई थी, सादा चावल बनाया था और रोटी बनाई थी। तो बस जल्दी जल्दी आके अपना सारा काम निपटाया, क्योंकि आज का प्लान आपको पता ही कि क्या था, कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उनको VR लेके जाएंगे, जो कि हस्बैंड ने बुक कर रखा था वेस्टफील्ड में। तो खाना खाने बनाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड सायरा आलिया के रूम में आ गए, जहाँ पर आपको बताया था ना कि एक वॉल बिल्कुल सायरा आलिया की ख़राब थी, तो पेंट करने के बाद भी वो बहुत गंदी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पर एक अच्छा सा वॉलपेपर लगा देते हैं, जो कि तुम्हारे मतलब इन लोग के रूम से जो कलर है उससे थोड़ा सा मैच करता हुआ है, तो वो एक डिफरेंट लुक देगा। तो फ़िलहाल तो ये वॉलपेपर इस तरह से लगाया। आई नो रूम टूर अभी नहीं दिया, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पड़ी है, जब वो सब हो जाएगा तो इंशाल्लाह इत्मीनान से मैं सायरा आलिया की रूम टूर को मतलब रूम टूर व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद यहाँ पर बच्चे आ गए हैं और उनको लेके मैं निकल गई वेस्टफील्ड, जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने VR का बुक किया था। तो आप लोग देखिए, और एक्चुअली में क्या है ना कि अंदर का मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, वो उन लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, इनफैक्ट मैं ही नहीं खोल के मोबाइल अपना बना पाऊँगी, क्योंकि वहाँ का तो आप लोग जानते हैं VR किस टाइप का होता है। बहुत दिन हो गए थे, बच्चे कहीं बाहर नहीं निकले थे, तो और स्कूल घर पढ़ाई कर करके बच्चे भी थोड़े से ऊब गए थे। हालांकि घर में सारे गैजेट्स होते हैं, उसमें ही बिज़ी रहते हैं, पर हम एज ए पेरेंट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने बच्चों के बाहर की दुनिया भी दिखानी चाहिए। तो जितनी होती है कोशिश, हम मेरे हस्बैंड और मैं आराम से ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं, पर क्योंकि गाजी की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में कटता है, तो जिसके वजह से अभी बच्चों को ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं हो पाता है, पर पूरी कोशिश रहती है कि जब जब मौका मिले बच्चों को थोड़ा सा बाहर ले जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट पर बिज़ी कर देंगे ना, तो फिर वो गैजेट्स के ही रह जाएंगे, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल हो, या कोई भी हो, कोई भी गेम शेम हो। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की यही कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो कराना बनता है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत भी तो करते हैं ना पढ़ाई में, अच्छे मार्क्स लाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड करके इस क्लिप में बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द शोर था, तो मैंने सोचा मैं इस पे जो भी बोल रही हूँ मैं ऊपर से फिर से बोल देती हूँ। तो तकरीबन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, कुछ ऑलमोस्ट मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि अली को ये भी बता रही हूँ कि अली को हम लोग अपने साथ नहीं लाए थे, वजह ये थी कि वो कॉलेज में था, उसे कुछ असाइनमेंट्स सबमिट करने थे जिसके वजह से वो लेट हो जाता, तो वो इस VR वाले प्रोग्राम में हम लोगों के साथ नहीं आया। Actually,
Okay. Okay. Thank you. Say Alia. हम दिख रहे हैं दिख हाय गाइस तो हम लोग जब अंदर गए तो इतना ज़्यादा रियल लग रहा था वो पहाड़ और वो सारी चीज़ें डायनासोर वो पानी के अंदर और वो खूंखार वाला डायनासोर आना बहुत ही ज़्यादा रियल था बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसका वीडियो तो नहीं बना पाए क्योंकि अलाउ ही नहीं था पर बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा रियल था वाव तो वीआर वाला हम लोग ने जब सब कर लिया तो उसके बाद वेस्टफील्ड में ये सारी कार वगैरह डिस्प्ले करके इन लोगों ने रखा हुआ था एग्जीबिशन लगा हुआ था तो आदिल को काफ़ी शौक चढ़ रहा था जब उसको उसके फादर बोलते हैं कि गाड़ी सीख लो तो बहाने बनाता है कि नहीं अभी मेरा ई लेवल हो जाए उसके बाद मैं करूँगा देखूँगा तो आज इसने इसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर की और मैंने भी इसको खूब बढ़ाया खूब चढ़ाया कि बेटा अब तो तुम्हें सीखना ही सीखना है एक तो मसला ये है ना कि यहाँ पर पहले थ्योरी टेस्ट दो उसके बाद जाके आप लेसन्स लीजिए उसके बाद वो अप्रूव करेंगे जब टेस्ट देंगे तब आप गाड़ी के वो होंगे तो आदिल को मैं इसी तरह उसको मोटिवेट कर रही हूँ कि गाड़ी सीखना है गाड़ी चलाना है जल्द से जल्द अब बहुत हो गया सब सीख लो बेटा गाड़ी बहुत जल्द तुमको गाड़ी सीखना है आदिल गाड़ी चलाना सीख लीजिए अब आप ठीक है ये सब थ्योरी टेस्ट वगैरह रेडी हो इंशाल्लाह फिर उसको ज़्यादा पीछे जाके बैठ गई गाड़ी बहुत ज़रूरी है आगे चल के सर चश्मा लगाओ वाला अच्छा जी तो फिर यहाँ पर ये कोरियन शॉप थी जहाँ पर वो अच्छे अच्छे वो लगा करके टोपी शोपी और चश्मे लगा करके यहाँ पर फ़ोटो शूट होती है तो बहुत क्यूट सारे चीज़ें थे तो मैंने कहा इन तीनों की फ़ोटो खिंचवाती हूँ अभी मैंने इंस्टा पे शेयर की थी अभी मैं फिर भी इस व्लॉग में शेयर करूँगा आप देखिएगा तो बस उसके बाद ये सब करके हम लोग आ गए नीचे वेस्टफील्ड के साइड जहाँ पर आइसक्रीम्स वगैरह मिलती हैं तो बच्चों को यहाँ पर थोड़े उनके फेवरेट मिल्क शेक उनको पीना था उनको आइसक्रीम तो नहीं चाहिए था तो उन लोगों को वनीला मिल्क शेक मैंने दिला दिया था तो हम लोग जब निकल ही रहे थे तो वहाँ पर मसाज लेडी थी तो मैंने वहाँ पर थोड़ी देर मसाज भी कराया £1 पर मिनट था और मैंने 5 मिनट के लिए करवाया था उसके बाद हम लोग यहाँ से जब निकल गए निकलने के बाद हम लोग चल गए चिकन कॉटेज वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा बर्गर्स वगैरह दिलाए बैकग्राउंड में गाजी बोल रहा है बर्गर वगैरह दिलाए उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इंशाल्लाह आपकी बहन आपसे एक्टिव होने की कोशिश करेगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं बहुत जल्द अल्लाह हाफिज़